So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in forest officer. दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं forest officer के interviews की students बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो एक mock session है जो हम आपको पेश कर रहे हैं. Hope इससे आपको बहुत benefit मिलेगा क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो सबसे पहले मैं welcome करता हूँ आपको और आपको पूछना चाहूँगा कि शीनम आपकी, आपने बोला कि आप forest officer बनना चाहते हैं. Yes. तो आपकी hobbies क्या है? सर मेरी हॉबीज़ हैं मतलब पेड़ पौधों की मतलब संरक्षण वगैरह, उनका ध्यान रखना. okay. और गार्डनिंग वगैरह करना, जो आसपास हमारे पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखना. okay. क्योंकि मैंने पेट्स वगैरह पहले भी बहुत पाले हैं. Very तो इनमें मेरी बहुत ज़्यादा हॉबीज़ हैं. okay. फॉरेस्ट ऑफिसर का अल्टीमेट काम क्या होता है अगर हम बड़े रूप में देखें तो? सर बड़े रूप में अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट है उसकी देख रेख वगैरह करना, जैसे कई बार लकड़ी का जैसे वहाँ सारा काम रहेगा तो आग वगैरह ना लग जाए. okay. या किसी पशु पक्षी को कोई उससे हानि ना पहुँचाए, तो इस चीज़ का मेन काम रहता है कि वहाँ की देख रेख वगैरह करना. कोई भूमि पर इलीगल तरीके से कोई कब्जा कर लेता है. okay. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उस भूमि पर कोई भी अधिकार ना जमा सके. वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने. इसके साथ में मैं आपको एड ऑन करूंगा कि फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, ही इज सपोज टू मैनेज समथिंग एफिशिएंटली. उनको बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना होता है. ही एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन फॉरेस्ट. यस सर. चलिए, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मेरी हॉबीज ही इसमें है, गार्डनिंग वगैरह करना, पेड़ पौधों के साथ समय बिताना मतलब. okay. और पशु पक्षियों के साथ में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है. okay. और जैसे मैंने बहुत टाइम पहले भी पशु पक्षी वगैरह पाले हुए हैं. right. तो इन चीज़ों में मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव वगैरह रहा है, इस करके मेरे को ये सब अच्छा लगा. तो मैं ये चाहिए कि मैं इसी में ही काम करना पसंद करती हूँ. वेरी गुड. शीनम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि IFOS और IFS क्या ये एक ही है? नो सर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है. सर IFS जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस है, जो IFOS है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है. बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड. अच्छा मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि NFP से आप क्या समझते हैं? सर NFP की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है. okay. जो 1988 में आई थी. okay. और अब 2018 में इसका नया ड्राफ्ट आया है. वेरी गुड. अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कुछ लॉज होते हैं फॉरेस्ट एक्ट में जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट है, क्या आप बता सकते हैं ये कब बना था? सर जो फर्स्ट इसका एक्ट बना था वो 1927 में बना था. और इंडियन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? सर वो 1972 में बना था. ओके. और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना था? सर 1980 में बना था. ओके. और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1986 में. ओके, वेरी गुड. ओके शीनम, यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड DFO? सर DFO की फुल फॉर्म है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोलते हैं. ओके, मींस डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट और डिविजनल फॉरेस्ट इज समथिंग सेम. यस सर. ओके शीनम, व्हाट इज CF, बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म? यस सर, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. और CCCF क्या होता है? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. ओके, एंड व्हाट डू मीन बाय PCCF? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. शीनम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को IFOs को मैनेज करना होता है. yes, तो क्या आप उन प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम बता सकते हो? यस सर, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क. ओके, और एक और प्रोटेक्टेड एरिया है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसको भी प्रोटेक्ट कर मैनेजमेंट करने का जिम्मा IFOs का होता है. शीनम IFOs कुछ पर्टिकुलर हेड्स को भी कंट्रोल करता है जिसके अंदर CZA भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, क्या आप CZA की फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस सर, सेंट्रल जू अथॉरिटी. ओके, क्या आप कुछ और हेड्स के बारे में बता सकते हैं? यस सर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज और NTCA जिसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी को भी हेड्स हमारे IFOs ही करते हैं. ठीक. ओके, मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी भी काम से करने से घबराती नहीं हूँ. okay. और सर मेरी वीकनेस यही है कि अगर कोई मुझसे हेल्प वगैरह मांगता है तो मैं उसको जल्दी से मना नहीं कर पाती. ओके शीनम, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है? सर मुझे सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल सिक्योरिटी जॉब की थी तो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. ओके शीनम, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत निडर होना पड़ेगा और डे और नाइट नहीं देखना काम करते समय, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे इस जॉब के लिए? सर बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ इस जॉब के लिए, क्योंकि मुझे रात या दिन कोई फर्क नहीं पड़ता और डर भी बिल्कुल नहीं लगता. ओके शीनम, आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित कैसे हुई? हाउ यू गेट इंस्पायर्ड?
सर मैं इस चीज़ के लिए अपनी मतलब मम्मी को श्रेय देती हूँ, क्योंकि ओके, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। और आपकी तो मदर क्या करते हैं? सर मेरी मदर टीचर हैं। टीचर? फिर आप यस टीचर क्यों सर। नहीं बने? सर टीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक वर्क बहुत अच्छा है। बट सर मेरा इंटरेस्ट मतलब पेड़ पौधों में, जैसे मैंने आपको बताया, जानवरों में उनके साथ तो समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस करके मैं इस फील्ड में आना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ अपने लिए। शिरम, अगर हम आपको चॉइस दें कि आप अकेले काम करना पसंद करेंगी या टीम में, तो कौन सा प्रेफर करेंगी? सर जरूरत पड़ने पर मैं अकेले काम कर सकती हूँ, बट मैं प्रेफर टीम को ही देती हूँ। एक्चुअल में टीम स्पिरिट के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से उस काम को कर सकेंगे। शिरम, व्हाट मेक्स यू एंग्री? आपको गुस्सा किस चीज पर आता है? सर वैसे तो मैं खुद भी बहुत कूल नेचर की हूँ, और अगर कोई ऑनेस्ट तरीके से काम नहीं करता या काम को डिले करता है तो मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है। मैं खुद भी लॉयल हूँ अपने काम के लिए, और लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी जो अपना काम है बहुत ही लॉयल्टी के साथ में पूरा करें। आप जॉब के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर? सर मेरे में होम सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही बात है, तो जगह मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरा काम मैटर करता है। और आप जानते हैं कि जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनको फॉरेस्ट गार्ड को, फॉरेस्ट रेंजर्स को ट्रेन भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, और उन लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग देनी होती है, सारा समझाना होता है। तो क्या आप इस काम को इजीली कर पाओगी, क्योंकि हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे? सर बिल्कुल मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि इन्हीं जगहों पर मैं रही हूँ, इन सभी चीज़ों से मेरा लगाव भी रहा है, तो मैं अच्छे से लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी भी दे सकूँगी और उनको ट्रेन भी कर पाऊँगी। शिनम, व्हाट योर कलीग्स टेल अबाउट यू? आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या कहा जाता है? सर मेरे क्लिक्स मेरे लिए बोलते हैं कि मैं बहुत ही बोल्ड हूँ और बहुत ही फ्रेंडली नेचर की हूँ, और हर एक जगह पर जाकर मतलब उनके साथ मिक्सअप हो जाती हूँ। क्या आप अपने आप को वन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके शिनम, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँ? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इस काम के लिए आपने मुझे चुना है, और इसके अलावा मैं बहुत ही मेहनती हूँ, आपके सिलेक्शन की कसौटी पर खड़ी उतरूंगी और बहुत ही अच्छे से काम कर पाऊंगी। सर मुझे वास्तव में एक मौका चाहिए कि मैं अपने स्टैंड शो कर सकूँ। श्रीमा, आप जानते हैं यहाँ पर आपको भू माफिया, जो जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, अवैध खनन वगैरह, ये जो मिसयूज करते हैं फॉरेस्ट लैंड का, या इस पर अतिक्रमण करते हैं, और या फिर ये कह लीजिए कि एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको डर नहीं लगता? सर बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल निडर हूँ और इन चीज़ों से मैं अच्छे से मतलब उनका सामना कर सकती हूँ, क्योंकि इसी जगहों पर मैं रही हूँ, तो अच्छे से उनसे डील करना मुझे आता है। आई होप हमारे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी बातें हमने नहीं दी है, अदर देन अवर अदर इंटरव्यूज ऑफ फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड। उम्मीद है ये नए क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, पर इसके अलावा भी दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप करके जाएंगे। इवन यू कैन अवेल ऑनलाइन कोर्सेज फॉर योर इंटरव्यू, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंट इज दीज वीडियोज, आप इनका इंजॉय कीजिए, इनसे बहुत कुछ सीखिए। थैंक यू सो मच शिनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।